फिर यीशु नासरत आए जहां वो पले बढ़े थे। कैसी हो? अच्छी हूँ। सब्बत यानी विश्राम के दिन नियमानुसार वे आराधनालय गए। और उन्हें यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक से एक भाग पढ़ने को कहा गया। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उन्होंने मुझे दीनों को शुभ संदेश सुनाने के लिए चुना है। उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को मुक्ति और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं, सताए हुए लोगों को मुक्त करने के लिए और यह घोषणा करने के लिए कि समय आ गया है जब परमेश्वर अपने लोगों को बचाएं। वे ठीक कहते हैं। आज धर्मशास्त्र का यह लिख पूरा हुआ जैसा तुमने अभी सुना। क्या परमेश्वर का वचन सच्चा ठहरा? यह प्रतिज्ञा तो केवल मसीह ही पूरा कर सकते हैं। हम कैसे जानेंगे? निसंदेह तुम मुझसे यह कहावत कहोगे, वैद्य स्वयं को चंगा करो। तुम मुझसे यह भी कहोगे, अपने शहर में भी वही करो जैसा हमने सुना आपने कफरनहूम में किया। मैं तुमसे कहता हूं कि कोई भी भविष्यवक्ता अपने शहर में सम्मान नहीं पाता। इस प्रकार यीशु ने अपना परिचय परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त संसार के उद्धारकर्ता के रूप में दिया, परंतु यहूदियों ने उन्हें मसीहा स्वीकार नहीं किया। उन्हें लोगों ने पहाड़ी से गिराना चाहा, परंतु वो भीड़ से निकलकर अपनी राह चले गए।